दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लाइव क्लास में। मेरा नाम भास्कर ज्योति है और आज मैं आपको फिर से एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के चैप्टर 7 को पढ़ाने के लिए आ गया हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 7 का नाम मैंने ऑलरेडी यहां बोर्ड पर लिख रखा है और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स को देखा, चैप्टर 6 तक की पढ़ाई कर ली है और मुझे आशा है कि यह किताब आप सबके पास सब आ गई होगी। और जब भी मैं आपको यह किताब पढ़ा रहा हूं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस किताब से उसे मिलाकर देखते होंगे और फिर उसके प्रश्नों को भी बाद में देखते होंगे कि क्या सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की गई या नहीं की गई। आप में से बहुत सारे दोस्तों का लगातार फीडबैक आता रहता है, कमेंट आता रहता है, तो उसके आधार पर हमने अपने पढ़ाई के तौर तरीकों को में भी काफी बदलाव किया है। तो आइए, बिना ज्यादा बातें किए हुए हम शुरू करते हैं आज के नए चैप्टर को, जिसका नाम है फेडरलिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला टॉपिक है इसमें, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे भारत का प्रारूप क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, जो किसी भी देश की राज्य व्यवस्था होती है वह मुख्य रूप से दो तरीके की राज्य व्यवस्था होती है। एक होता है, कोई देश की राज्य व्यवस्था या तो यूनिटरी हो सकती है या दूसरा फेडरल हो सकता है, या तो यूनिटरी हो सकती है या फेडरल हो सकता है। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस यूनिटरी व्यवस्था में और फेडरल व्यवस्था में अंतर क्या है। दोस्तों, जो राज्य, राज्य का कहने का तात्पर्य यहां पर देश से है, क्योंकि आप जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो उसमें जो कंट्रीज होती हैं जिसे हम देश कहते हैं उसे या तो स्टेट या नेशन स्टेट के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहां पर जब भी मैं राज्य की बात करूं, यदि स्पेसिफिकली मैं मेंशन ना करूं कि मैं बिहार यूपी की बात कर रहा हूं, तो आप राज्य का मतलब राष्ट्र समझेंगे। तो दोस्तों, ऐसा देश, ऐसा राज्य जिसमें सारी व्यवस्थाएं केंद्र द्वारा चालित होती है या सारी व्यवस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, उस तरह के सरकार को हम यदि बहुत ही साधारण शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें, तो उस तरह के व्यवस्था को यूनिटरी स्टेट्स कहते हैं, यूनिटरी नेशन कहते हैं, यूनिटरी कंट्रीज कहते हैं। इसमें उस कंट्री के अंदर जो उसकी इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं, जिसे हम अलग अलग देशों में प्रोविंस या स्टेट के नाम से जानते हैं, तो उन राज्यों के पास, उन प्रोविंसों के पास, प्रोविंसेस के पास कोई विशेष पावर नहीं होती है, कोई शक्तियां नहीं होती हैं, और जो भी नीति निर्धारण की सामग्री होती है, नीति निर्धारण का विषय होता है, उन तमाम विषयों पर जो लेजिस्लेशन का कार्य किया जाता है वह केंद्र के ही द्वारा किया जाता है। अक्सर ऐसे देश या ऐसे राज्य जो छोटे होते हैं वे यूनिटरी देश होते हैं, यूनिटरी राज्य होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी यूरोप के कुछ देशों का उदाहरण दिया था जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि वे छोटे देश होते हैं, वहां पर लोग आपस में बैठकर कई सारी बातों को डिस्कस कर कुछ कानून बना लेते हैं। लेकिन जब देश का आकार बड़ा हो जाता है तो ऐसे देशों में यूनिटरी राज्य व्यवस्था रख पाना काफी मुश्किल काम होता है, काफी कठिन काम होता है। इसलिए ऐसे देशों ने फेडरल सिस्टम को चुना है, फेडरल राज्य व्यवस्था को चुना है। तो फेडरेशन जो मूल रूप से होता है, फेडरेशन को समझने के लिए जो एक आदर्श उदाहरण हमारे पास आता है वह होता है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यदि आप देखेंगे तो इसमें 50 प्रोविंसेस हैं, 50 स्टेट्स जिसे हम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में राज्य हैं बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसी तरह से यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर 50 स्टेट्स हैं। और उन 50 स्टेट्स की यदि आप उन 50 स्टेट्स का यदि आप अवलोकन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि फेडरल व्यवस्था में जो अमेरिका में व्यवस्था की गई है उसमें यूएसए का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और इन 50 प्रोविंसेस का भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। एक सिटीजन यूएसए का भी सिटीजन होता है और एक सिटीजन कैलिफोर्निया का भी सिटीजन हो सकता है जो कि यूएसए का एक प्रोविंस है। मतलब फेडरेशन में ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है, वहां पे ड्यूअल कोर्ट्स हैं, एक जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं और फिर हर एक राज्यों का अपना एक कोर्ट होता है। तो फेडरेशन का तात्पर्य मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। फेडरेशन में हम
सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, फेडरेशन में राज्यों की जो हमारी कंपोजिंग यूनिट्स होती हैं उनको अलग से पावर दी जाती है, कोई एक दूसरे के पावर्स में इंटरफेयर नहीं करता है, सबका कार्य जो है सो स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। लेकिन जो एक यूनिटरी फीचर होता है, यूनिटरी फीचर में क्या होता है कि जो केंद्रीय इकाई होती है या जो केंद्र की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट होता है, उन्हीं के पास सारी पावर्स निहित होती हैं और उन वही राज्य के व्यवस्था को चलाती है। तो मुझे लगता है कि अब आप यूनिटरी तथा फेडरल सिस्टम के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था व्हाट इज फेडरलिज्म, वह फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड था। अब इस किताब में कुछ उदाहरण से समझाया गया है कि फेडरलिज्म का निगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि एक समय में यूएसएसआर एक बहुत ही बड़ा देश हुआ करता था, एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र हुआ करता था यूएसएसआर। अब यूएसएसआर जब बहुत बड़ा देश था तो 1990 ईस्वी क्या में आपको पता है कि जब कोल्ड वार खत्म हुआ था या यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही एक्चुअल में कोल्ड वार खत्म हुआ था, तो अचानक से 1990 ईस्वी में कहा जाता है कि यूएसएसआर कोलैप्स लाइक ए प्लैक ऑफ कार्ड्स, मतलब कार्ड के पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह अचानक से सोवियत संघ ढह गया। ऐसा क्यों ढह गया दोस्तों? तो आप यदि 1990 ईस्वी या 1990 या यूं कहें कि 1945 ईस्वी के बाद के इतिहास को देखेंगे, 1945 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जब वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ, तो 1945 से 1990 के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो यूएसएसआर एक बड़ी शक्ति के रूप में पूरे दुनिया भर में उभरा। और उसके बाद आपको पता है कि पूरे दुनिया भर में कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का एक मॉडल पॉपुलर हुआ और दोनों ही महाशक्तियों में, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर में, यह कंपटीशन चल रहा था कि कौन सी व्यवस्था, कैपिटलिज्म की व्यवस्था या सोशलिज्म की व्यवस्था देश को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए सर्वोच्च व्यवस्था है। तो इसी चक्कर में यूएसएसआर ने ओवर सेंट्रलाइजेशन कर दिया, मतलब केंद्रीकरण इतना ज्यादा हो गया, तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट थे, चाहे वह आज का पांच जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखते हैं, वह तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, जो पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, या उसके बाद पोलैंड, रोमानिया, चेक्सलोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सब जितने कंट्रीज हैं, यह सब पहले यूएसएसआर का कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स था। लेकिन सेंट्रलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, हर चीज मॉस्को से कंट्रोल होने लगा और इसके वजह से हर एक राज्यों में जो यूएसएसआर के बातों को नहीं मानता था वहां पे रेड आर्मी को एस्टेब्लिश कर दिया जाता था, वहां पे रेड आर्मी को इंस्टीट्यूट कर दिया जाता था। रेड आर्मी कहने का मतलब है जो यूएसएसआर की जो आर्मी थी, जो चूंकि वहां पे लाल क्रांति हुई थी इसलिए उसे रेड आर्मी का नाम दिया गया था, और वह बंदूक के दम पर सारी व्यवस्थाओं को चलाने का प्रयास करता था। दमन की इतनी ज्यादा स्ट्रांग नीति थी, इतनी कड़ी नीति थी कि हर एक राज्य में लोग सफोकेटेड महसूस करते थे, घुटन जैसा महसूस करते थे, और जिसका नतीजा यह हुआ कि 1990 ईस्वी में जो सोवियत संघ है वह ताश के पत्तों जैसा ढह गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब एक केंद्रीय नीति के तहत आप राज्य के, आप देश के हर एक प्रोविंसेस को, राज्यों को चलाने का प्रयास करेंगे तो वहां पर धीरे धीरे वायलेंस होगा, वहां पर धीरे धीरे आंदोलन होगी और राज्य एक दूसरे से अलग होने का प्रयास करेंगे, अलग देश बन जाएगा, जिसका उदाहरण हमने बाद में पाकिस्तान में भी देखा कि आपको पता है कि पाकिस्तान मूल रूप से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा चलाने का प्रयास किया गया तो वहां भी आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के वजह से वहां कई सारी जो है अपसर्जेस हुई और जिसका नतीजा यह हुआ कि 1971 ईस्वी के में एक नया राष्ट्र बन के सामने आया जिसका नाम बांग्लादेश है। फिर उसी तरह से चेकोस्लोवाकिया में, यूगोस्लाविया में इस तरह के कई आंदोलन हुए जो कि ओवर सेंट्रलाइजेशन के वजह से हुआ। तो इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि दुनिया के तमाम देश धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन से दूर फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्रोविंसेस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, ज्यादा शक्तियां दी गई, और जिसके वजह से वह देश और उसके जो कंस्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस थे वह अपने आप को अपने तरीकों से चलाने का प्रयास करने लगे।
तो यह था कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म का क्या नुकसान होता है, या फेडरलिज्म नहीं होने से यदि हम यूनिटरी नेचर से देश को चलाने का प्रयास करते हैं, ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है, तो उसका क्या नुकसान होता है उसे हमने समझा। तो दोस्तों पेज नंबर 154 पर फेडरलिज्म को डिफाइन करते हुए लिखा गया है कि फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स विच आर अप्लाइड टू डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशंस। मतलब कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है जो कि आपने एक फॉर्मूला लिख दिया, एक डेफिनेशन लिख दिया और वो सारे देशों पर लागू हो गया। विच आर अप्लाइड टू डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशंस, रादर फेडरलिज्म एज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। कहने का यह तात्पर्य है कि अलग अलग देशों के अपने अनुभवों के आधार पर फेडरलिज्म का अलग अलग स्वरूप उन देशों में धीरे धीरे उद्भव हुआ है। जैसे यदि आप भारत की ही बात करें तो भारत में फेडरलिज्म, तो मतलब यदि आप अभी हम देखेंगे कि अगला कि आर्टिकल में क्या लिखा गया है भारत के विषय में कि भारत की राज व्यवस्था कैसे है, लेकिन भारत की राज व्यवस्था वास्तव में कैसे है तो यह हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन भारत में जिस तरह का फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है वह अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि अपने खुद के कारण से इवॉल्व हुआ है। तो फिर कहते हैं कि अमेरिकन फेडरलिज्म वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट्स टू बिल्ड ए फेडरल पॉलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म, बट देयर आर ऑल्सो ए फ्यू की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म। अब कहने का यह मतलब है कि अमेरिका का फेडरलिज्म जर्मनी के फेडरलिज्म से डिफरेंट है, इंडिया के फेडरलिज्म से डिफरेंट है। तो अब आपके मन में यह संशय जरूर हो रहा होगा कि यदि फेडरलिज्म का कोई डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं है, तो इसका मतलब क्या फेडरलिज्म को डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं? क्या फेडरलिज्म की हम पहचान नहीं कर सकते हैं कि अच्छा अमुक फीचर्स यदि है तो किसी देश को हम फेडरल कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे? ऐसा बिल्कुल है। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स की आइए हम बात करते हैं कि किन फीचर्स के आधार पर हम मान सकते हैं कि कोई भी देश फेडरल होता है। तो सबसे पहले जो देश फेडरल होता है उनके यहां टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज होता है। टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज मतलब राज्य व्यवस्था दो स्तर पर चलाई जाती है, एक देश के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे। मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर होगा उनके यहां दो तरह की राज्य व्यवस्था होगी। फिर यदि टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज होगा तो दूसरा क्या होगा कि टू आइडेंटिटीज होंगी, टू आइडेंटिटीज जिसे हम डुअल आइडेंटिटी कहते हैं। टू आइडेंटिटी, डुअल आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अमेरिका में एक नागरिक अमेरिका का भी नागरिक होता है और वहीं दूसरी ओर वह नागरिक कैलिफोर्निया का भी नागरिक हो सकता है, न्यूयॉर्क का भी नागरिक हो सकता है। लेकिन भारत में क्या है, बस आप एक भारतीय नागरिक हैं, आप बिहार के नागरिक नहीं हो सकते हैं, बिहार की आपको नागरिकता नहीं मिलती है। वह आपका डोमिसाइल हो सकता है लेकिन नागरिकता आपको भारत की मिलती है। तो यह एक अंतर होता है। जो ट्रू फेडरल स्टेट जो अपने आप को फेडरल कंट्रीज कहते हैं वहां पे डुअल पॉलिटी, डुअल आइडेंटिटी, यह दो चीजें होती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या वह देश फेडरल है या नहीं है। फिर यदि हम बात करें कि और फेडरलिज्म में क्या होना चाहिए, दोस्तों फेडरलिज्म का एक सबसे बड़ा फीचर है कि फेडरलिज्म में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लिखित संविधान। अब यह लिखित संविधान फेडरलिज्म में क्यों होना आवश्यक है, दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मतलब क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए, ड्यूअल आइडेंटिटी होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि सिटीजनशिप कौन प्रोवाइड करता है, तो सिटीजनशिप हमने पहले दूसरे चैप्टर में देखा था कि सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब यदि हमारे यहाँ एक लिखा हुआ संविधान ना हो तो फिर क्या आइडेंटिटी है आपकी, क्या पहचान है, आप कहाँ के नागरिक हैं, इन सब जटिलताओं का आंसर या जवाब कहाँ से मिलेगा हमें? कोई तो एक इकाई होनी चाहिए, कोई तो एक पुस्तक होना चाहिए जहां पर यह तमाम बातें, इन तमाम बातों का जिक्र हो, उल्लेख हो कि आखिर किस व्यवस्था के तहत, किस राज व्यवस्था के तहत किसी भी देश को चलाया जा रहा है। तो संविधान में चूंकि इन तमाम बातों का प्रावधान किया हुआ होता है, इसलिए एक अच्छे फेडरल स्टेट के लिए, एक ट्रू फेडरल स्टेट के लिए बहुत अनिवार्य है कि वहां पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। उसके बाद एक क्या जरूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है कि उस फेडरल स्टेट के पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ड्यूअल आइडेंटिटी है, ड्यूअल सेट ऑफ पॉलिटीज है, तो पिछले भी चैप्टर्स में हमने देखा कई बार सेंटर और स्टेट का कंफ्लिक्ट हो जाता है, कई बार दो राज्यों का कंफ्लिक्ट हो जाता है, कई बार दो इकाइयों का कंफ्लिक्ट हो जाता है।
अब यदि वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं हो, एक तीसरी इकाई नहीं हो जो इन तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सके, तो आखिरकार जो राज्य या जो केंद्र जो राज्य के साथ जिसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो आखिर जाए तो जाए कहां। तो ऐसे इसलिए फेडरल स्टेट के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो जहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद न्यूट्रल तरीके से उस विवाद को रिजॉल्व किया जा सके। तो फेडरलिज्म का यही कुछ फीचर्स होता है जो कि एक फेडरलिज्म को एक ट्रू फेडरलिज्म बनाता है। अब फेडरलिज्म में आपको पता है दोस्तों कि एक सेंटर है ए और फिर बहुत सारी इकाइयां हैं बी सी डी ई एफ, बहुत सारी इकाइयां हैं और इन सब के मिलने से एक फेडरल स्टेट बनता है। अब यदि हम इस यूनिट की बात करें तो यह यूनिट एक अच्छा यूनिट कब बन पाएगा, जब इनके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, जब इनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, जब इनके बीच में पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, जब इन तमाम बातों को इंश्योर किया जाएगा कि एक ए फेडरल कंट्री में बी सी डी ई एफ या एक्स वाई जेड तक या एन नंबर ऑफ स्टेट्स हो, तो वह अच्छे से अच्छे तरीके से आपस में रहेंगे, तो उनके लिए आवश्यक है कि ट्रस्ट, कोऑपरेशन और पीस। ये जो तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो यही पॉइंट्स होगा जिसके आधार पर आप अपने आंसर को इलाबोरेट करेंगे। तो मैंने फेडरेशन के लिए आपको इस तरह से चार फीचर्स बताया कि टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज, टू आइडेंटिटीज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यदि ये चीजें हैं तो आप देख के किसी देश को बता सकते हैं कि हाँ ये फेडरल स्टेट है। अब यदि फेडरल स्टेट है तो वो अच्छे तरीके से काम कैसे करेगा, तो उसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। तो यहां मैंने आपको सात पॉइंट्स बताया, इन सात पॉइंट को आप अच्छे तरीके से गांठ बांध के दिमाग में रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसी के आधार पे आपको जो है अपने आंसर्स को तैयार करना है। अब दोस्तों बात करते हैं जो अगला टॉपिक है हमारा, फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में फेडरलिज्म का क्या प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे जो पेज नंबर 157 पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 मतलब जो हमारा संविधान शुरू होता है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में हमारे संविधान में हमारे राज्य व्यवस्था के बारे में क्या लिखा गया है, भारत की राज्य व्यवस्था किस तरह की है उसके बारे में क्या लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। अब इस आर्टिकल का कई बार जिक्र भी आता है कि हमारे देश का नाम इंडिया है या भारत है, इस पर काफी विवाद भी हुआ था कि हमारे देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, तो हमारे नीति निर्माताओं ने दोनों ही नाम को रख लिया और इसी के वजह से आप आर्टिकल 1 को जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमारे आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत जो है वह एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे फेडरेशन की बात नहीं की गई है कि इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और फिर उसी के टू क्लाउज 2 में क्या लिखा हुआ है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, उसके बाद पहले शेड्यूल में किस तरह के राज्य होंगे इसके बारे में लिखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम अभी तक फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, आपने देखा कि फेडरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिक्स होना चाहिए ड्यूअल, तो ड्यूअल पॉलिटिक्स तो है, इंडिया की पॉलिटिक्स अलग है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स अलग है, ड्यूअल आइडेंटिटी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये तमाम चीजें तो है, तो क्या हम फेडरेशन है। अब इस पर बहुत सारा विवाद हुआ और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने, बाहर के फॉरेन पॉलिटिकल थिंकर्स ने कई बार बार्गेनिंग फेडरलिज्म का नाम दिया, भारत के फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। आप पढ़िए मॉरिस जोन्स को पढ़िए, आप और तमाम तरह के जो है सो थिंकर्स हैं उनको पढ़िए, अंबेडकर साहब का भी इस पर काफी इलाबोरेट है, नेहरू जी का काफी इलाबोरेट विचार है, टीटी कृष्णमाचार्य का बहुत इलाबोरेट विचार है। तो आप इन तमाम तरह के विचारों को पढ़ेंगे तो किसी ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म, किसी ने क्वासी फेडरलिज्म, किसी ने जो है सो फॉल्स फेडरलिज्म, किसी ने कहा कि ये सेंट्रलाइजिंग स्टेट विथ सम अमाउंट ऑफ फेडरेशन है भारत। तो भारत के संविधान के बारे में, फेडरेशन के बारे में कई तरह का ओपिनियन जो है सो अलग अलग संविधानविद ने, अलग अलग कानूनविद ने, अलग अलग नीति निर्माताओं ने रखा, लेकिन भारत में फेडरेशन हो या नहीं हो, भारत एक यूनिटरी स्टेट हो, इस पर चर्चा ऐसा नहीं है कि हम भारत में आजाद हुए उसके बाद चर्चा आरंभ हुई। आपको मैंने पहले भी चैप्टर में बताया था कि जब संविधान बनने लगा तो हमारे संविधान के आदर्श कहां से लिए गए, हमारे संविधान के आदर्श हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई से लिए गए, वहां पे हमने जो कुछ भी सीखा उसे हम धीरे धीरे हमने संविधान में उसी अनुरूप डालते, हम उसको डालते चले गए।
तो अब दोस्तों हुआ क्या कि हमारे देश में, चूंकि हमारा देश जो है सो कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब एक भारतीय महाद्वीप है, यदि आप सार्क देशों के 7-8 देशों को जोड़ लें तो भारत अपने आप में एक महाद्वीप जैसा है, जहां एक ही तरह की कल्चर, मतलब एक ही तरह का जो है सो यदि आप कमोबेश बात करेंगे तो एक तरह की ज्योग्राफी है, कल्चर अलग अलग है, लेकिन लोगों का रंग रूप वेशभूषा लगभग एक जैसा है। तो इस तरह के महाद्वीप में यदि आप एक यूनिटरी स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते तो क्या होता कि कोलैप्स कर जाता, जैसा यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, जैसा पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, जैसा चेकोस्लोवाकिया कर गया, जैसा यूगोस्लाविया कर गया, जैसे कई सारे देश कर गए। तो इस चीज से बचाने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, स्टेट को बहुत तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया था, आपको बाद में पता है कि स्टेट को ए बी सी डी के रूप में कैटेगराइज किया गया था कैबिनेट मिशन का जब प्लान आया था, तो फिर किस स्टेट की क्या भागीदारी होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह तय किया गया था। तो इन तमाम स्टेट्स को फिर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में हमारा विवाद हुआ, अभी हाल में धारा 370 को हटाया गया, जो पश्चिम उत्तर के राज्य हैं उसमें 371 के तहत अलग अलग प्रावधान किया गया। तो इन तमाम राज्यों को, इन तमाम इकाइयों को एक साथ एक सूत्र में बांध कर रखना भारत के लिए चुनौती थी। आजादी के बाद अंग्रेज थे तो अंग्रेज एक यूनाइटिंग फैक्टर के रूप में काम करते थे, वह यूनाइटिंग फैक्टर जरूर थे लेकिन वह क्या था, ऑपरेसिव था, हमारे ऊपर दमन, हमारे ऊपर दमन करते थे। लेकिन अब जब हम आजाद हो गए तो हमारे हमारे लिए एक यह विशेष रूप से चुनौती थी कि हम देश को किस तरह से एक सूत्र में बांध के रखें ताकि ना ही किसी का कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो सके, ना ही किसी की जो पहनावा ओढ़ावा है, भाषा है, वह कोई भी चीज खत्म ना हो सके, और जो केंद्र सरकार है उसका वर्चस्व भी किसी भी राज्य पर उस कदर ना हो कि उसकी अपनी नीतियां खत्म हो जाए। तो एक तरह से भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ वह स्वतंत्रता के आंदोलन के आसपास से ही शुरू होने लगा, जिसका स्वरूप हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स को अलग अलग पावर दी गई थी, ऑटोनॉमी दी गई थी, जो एबीसीडी कैटेगरी के जो स्टेट्स थे उनको अलग पावर्स दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब उनके पार्टिसिपेशन की बात आई तो प्रिंसली स्टेट को अलग पार्टिसिपेशन मिला, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स को अलग पार्टिसिपेशन मिला, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए उनको अलग पार्टिसिपेशन मिला। तो यह इस तरह से हमने अलग अलग ऑटोनॉमी धीरे धीरे सबको दिया था। तो इसी स्वरूप के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारे देश में जो है सो जब हम आजाद हुए तो बहुत सारे राज्य बनाए गए, 16-17 राज्य थे, आज आप देखेंगे तो 29 राज्य हैं। तो धीरे धीरे फिर उन राज्यों का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन यदि आप भारत के एक्चुअल कैरेक्टर्स को देखेंगे तो भारत यूनियन तो जरूर है, लेकिन भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है विथ ए फेडरल कैरेक्टर है, मतलब हम फेडरेशन के हिसाब से चलते हैं, हमने दोहरी नागरिकता नहीं दी है अपने नागरिकों को, लेकिन हम उनको हमने उन्हें आजादी दी है। और इसी का नतीजा है कि जब आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है या किसी राज्य स्तरीय एग्जाम होता है तो उसमें आपसे आपका डोमिसाइल पूछा जाता है, यह डोमिसाइल आपके नागरिकता को प्रूव नहीं करती है, बस कि कोई राज्य अपने डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को कुछ विशेष फायदा देना चाहता है। अब भारत जैसा बड़ा राज्य, अब मान के चलिए बिहार खुद से पिछड़ा हुआ राज्य है, और बिहार में यदि मान के चलिए यदि बिहार राज्य की कोई नीति है जिसे उसका मन है कि हम बिहार के ही छात्रों को दिए और यदि वह खोल दे, ओपन कर दे पूरे देश भर के लिए, तो सीमित रिसोर्सेज के बीच कोई भी राज्य उन तमाम चीजों को दूसरे राज्य के नागरिकों को नहीं दे सकती है। इसलिए हम डोमिसाइल के आधार पर कुछ अफर्मेटिव एक्शन जरूर करते हैं, वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वह दोहरी नागरिकता नहीं है। तो इसलिए हमने भी एक फेडरल स्ट्रक्चर को ही अपनाया, लेकिन हमारा यदि ओवरऑल कैरेक्टर देखेंगे तो वह यूनिटरी है, और यूनिटरी है लेकिन हम फेडरल हैं, तो इन बातों को हम पुख्ता सबूत भी देखेंगे कि किस तरह से हम जो है सो हमारे यहाँ फेडरल कैरेक्टर है। अब फेडरल कैरेक्टर में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, डिवीजन ऑफ पावर मतलब एक केंद्र के पास कुछ शक्तियां निहित है, कुछ शक्तियां राज्य के पास निहित है। तो केंद्र और राज्य की शक्तियां को जब हम अलग अलग तरीके से बांट देंगे कि केंद्र किस मुद्दे पर, केंद्र किन विषयों पर जो है सो कानून बना सकती है, केंद्र के पास क्या पावर्स है, राज्य के पास क्या पावर्स है, और सब अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाए, सब अपने अपने क्षेत्रों का काम करें, तो जब हम इस तरह की व्यवस्था कर देंगे तो वह एक फेडरल स्ट्रक्चर की निशानी हो जाती है। अब दोस्तों आपको पता है कि भारत के संविधान में, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे यहाँ जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट की व्यवस्था की गई है, 3 लिस्ट की व्यवस्था की गई है जिसे हम सूची कहते हैं। और वह क्या सूची है, उसमें पहले लिस्ट को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, दूसरी सूची है स्टेट लिस्ट, और तीसरी कंकरेंट, कंकरेंट।
अब यूनियन लिस्ट में ऐसे बहुत सारे मुद्दों को शामिल किया गया है जिसमें केंद्र सरकार जो है तो कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में ऐसे मुद्दों को रखा गया है जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे चीजों को रखा गया है जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपसी सहमति से कानून बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा जो है सो बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल बातें हैं कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो किसकी चलेगी, ऑब्वियसली केंद्र सरकार की चलेगी। यदि कंकरेंट लिस्ट में जिसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है कानून बनाने में, यदि उसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो किसकी चलेगी, केंद्र सरकार की चलेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया हमने राज्य के सारे मुद्दों को तीन लिस्ट में बांट दिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट, और सारी शक्तियों को जो है सो क्लैरिफाई करके लिख दिया कि किन विषयों पर कौन सी सरकार जो है सो कानून बना सकती है। अब यूनियन लिस्ट के यदि आप कुछ विशेष मतलब जो है सो विषयों को देखेंगे तो ऐसे विषय जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो राज्य सरकार के वश की बात नहीं है, क्योंकि देश एज ए होल जहां पे हमें रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमारे लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उन विषयों को हमने यूनियन लिस्ट में रखा। तो ऐसे कौन से विषय थे, कुछ विषयों की यदि हम बात करें जो कि यूनियन लिस्ट में है तो देखिए, रक्षा संबंधित विषय, डिफेंस को, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड विषय को, फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड विषय को, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, क्वाइनेज, इन सब विषयों को चूंकि ये हमारे देश के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण थे इसलिए इन विषयों को हमने यूनियन लिस्ट में रखा। अब यदि हम स्टेट लिस्ट की बात करें, ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है, तो एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लीकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक, तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर जो है सो राज्य सरकारें कानून बना सकती है। अब दोस्तों कुछ ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, उनको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में यदि हम विषय को देखेंगे तो उसमें शिक्षा है, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्टरेशन, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब चीजें जो है वह कंकरेंट लिस्ट में आती है। दोस्तों अब क्या है कि तीन लिस्ट तो हमने बना दिया, लेकिन कई बार ऐसी संभावनाएं बच जाती हैं, या फिर हमारा संविधान तो आजादी के समय में बना और उसके बाद जो है सो कई सारी ऐसी नई विषय जो है सो सरकार के पास आई, देश के सामने आया, कि जिस पर यह क्लियर ही नहीं था कि कौन इस पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को यदि उभरता है तो उसे हमने रेसिडुअरी पावर के रूप में लिखा, रेसिडुअरी पावर। अब दोस्तों रेसिडुअरी पावर क्या होता है, कि ऐसे विषय जो कि पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है कि इस पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, या कंकरेंट लिस्ट में वह विषय रहेगा, तो उसे हमने रेसिडुअरी पावर के रूप में रखा और यह पावर दिया कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी। अब देखिए दोस्तों इस पे बहुत सारा विवाद हुआ, आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को देखेंगे तो कई सारे राज्यों का जो है सो मत था कि रेसिडुअरी पावर स्टेट को दिया जाए, लेकिन बहुत सारे डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन के बाद फाइनली रेसिडुअरी पावर जो है वह केंद्र के पास निहित की गई, कि यदि ऐसा कोई विषय आता है जिस पर कौन कानून बनाएगा यह तय नहीं हो सकता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। अब दोस्तों डिविजन ऑफ पावर तो हमने कर दिया, अब हम देखेंगे तो इस तरह से यदि हम डिवीजन ऑफ पावर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारा देश तो पूर्ण रूप से एक फेडरल स्टेट है, क्योंकि जो है सो हमने डिवीजन ऑफ पावर भी किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे यहाँ, तो हर तरीके से हम फेडरल स्टेट लगते हैं, और वाकई में हम फेडरल स्टेट हैं भी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे हम फेडरल होते हुए भी, चूंकि हमारे आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है कि हम इंडिया जो है सो फेडरल स्टेट नहीं है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि जिससे हमें लगता है कि भारत एक फेडरल स्टेट है, लेकिन भारत को कई बार जो डिफाइन किया जाता है वह कहा जाता है कि भारत यानी इंडिया इज ए फेडरल स्टेट बट विथ ए यूनिटरी फीचर, मतलब फेडरल स्टेट विथ ए यूनिटरी फीचर, फेडरल स्टेट विथ ए यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर। अब यह यूनिटरी फीचर क्यों है दोस्तों, कुछ हम हमारे संविधान की कुछ चीजों को देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया में यूनिटरी फीचर्स बहुत ज्यादा हावी हैं, जिसके वजह से भारत एक ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है। अब दोस्तों हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स को क्यों प्रीफर किया गया, सबसे पहले हम उसको ब्रीफली जान लेते हैं।
जब हमारा देश आजाद हुआ था तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अशिक्षा थी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। हम उस हालात में नहीं थे कि हम अपने देश के राज्य व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। उस स्थिति में यदि हम राज्यों को अधिक पावर दे दिए होते तो राज्यों के खंडित होने का शंका बहुत ज्यादा था। इसलिए उस समय देश को एक सूत्र में बांध कर रखना काफी आवश्यक था, एक स्ट्रांग सेंटर का होना बहुत आवश्यक था जो कि पूरे देश को एकीकृत करके रख सकता। क्योंकि हमने देखा कि आजादी के तुरंत बाद हमारे ऊपर आक्रमण भी हो गया, पाकिस्तान का आक्रमण हो गया, कुछ और समय के बाद चीन का भी आक्रमण हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमें एक यूनिटरी स्टेट के रूप में, हमें एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट के रूप में जो कि देश को एकीकृत करके रख सकता, ऐसा रहना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए हमने यूनिटरी फीचर को देखा। और उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो मैं बार बार कहता हूं कि रजनी कोठारी का कहना था कि जब भारत आजाद हुआ तो देश का सिस्टम एक कांग्रेस सिस्टम था या वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था। मतलब केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो कभी केंद्र तथा राज्य के बीच में कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन बाद में 1967 ईस्वी के बाद से जब राज्यों में अलग अलग सरकारें बनने लगी तो जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था, कांग्रेस के रूल करने की जो एक व्यवस्था थी, वह धीरे धीरे टूटने लगी और उसके बाद डिस्प्यूट क्रिएट होना शुरू हो गया। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो कि भारत को यह बताता है कि यह जताता है कि भारत में जो है सो यूनिटरी फीचर्स कई बार हावी हो जाता है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंटर के पास पावर होता है टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। अब इसमें आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को पढ़िए, आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 को पढ़िए। इसमें जो है सो विस्तार से बताया गया है कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो कई राज्यों को जो है सो तोड़ सकती है, उन राज्यों से नए राज्य क्रिएट कर सकती है। इसके लिए वह एक सिंपल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन लाना होता है लोकसभा तथा राज्यसभा में, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। तो केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी होता है कि वह राज्यों को तोड़ सकती है, राज्यों को जोड़ सकती है। तो इस तरह से राज्यों को तोड़ना और जोड़ना राज्यों को कमजोर करता है, और इस तरह से देखा जाए तो यह एक यूनिटरी फीचर है जो कि हमारे फेडरेशन को भंग करता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो एक पावर दिया गया है केंद्र सरकार को, वह है इमरजेंसी की पावर। और यह इमरजेंसी की पावर दोस्तों इतनी पावरफुल पावर है कि इसमें इमरजेंसी के सिचुएशन में पूरी कमान जो है, पूरी सत्ता देश के सरकार के पास आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है और वह पूरे देश को चलाती है। हालांकि सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, भारत में एक बार इमरजेंसी लगा और उसके बाद से कभी इमरजेंसी लगा नहीं। लेकिन जो 1974 से 77 का दौर था जिसमें इमरजेंसी भारत में लगाई गई, उसमें पूरी व्यवस्था भारत सरकार के पास आ गई थी, राज्यों की सरकार को भंग कर दिया गया था। और जिसके बाद से जो है इमरजेंसी के प्रति एक खौफ जागृत हुआ देश में। तो इमरजेंसी के तहत हमेशा एक खतरा फिर प्रेसिडेंशियल रूल होता है, इमरजेंसी को हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तो इमरजेंसी से एक यूनिटरी फीचर का जो है सो विकास होता है। फिर यदि हम बात करें कि और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे यूनियन गवर्नमेंट हावी हो जाता है राज्य सरकार के पास, वह है फाइनेंशियल पावर्स। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंस का जो पावर होता है वह मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास होता है। हमने लोकसभा वाले चैप्टर में, एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में, लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में देखा था कि लोकसभा में जब किसी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर होती है। राज्यसभा उस बिल को बहुत दिन तक अपने पास रख भी नहीं सकता है, उसमें अमेंडमेंट भी लाता है तो वह लोकसभा के ऊपर है कि उसे माने या ना माने। तो एक तरह से लोकसभा चूंकि केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करती है तो फाइनेंशियल पावर्स केंद्र सरकार के पास बहुत अधिक होता है। पहले प्लानिंग कमीशन नाम की एक इकाई हुआ करती थी जिसे हम शैडो कैबिनेट भी कहते थे, किचन कैबिनेट भी कहते थे। प्लानिंग कमीशन के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी कि किस राज्य को कितना ग्रांट दिया जाए, क्या किया जाए। तो प्लानिंग कमीशन काफी ज्यादा यह तय करती थी ग्रांट इन एड, ग्रांट इन सब चीजों को, जिससे राज्यों के मन में बहुत ज्यादा असंतुष्टि थी। ऐसा देखा जाता था कि ऐसे राज्य जिनमें अपोजिशन पार्टीज की सरकार होती थी उनको जो है सो कम ग्रांट दिया जाता था। तो एक तरह से इन सब टूल्स के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कंट्रोल करने का प्रयास करती थी। फिर आप देखेंगे तो गवर्नर का जो रोल होता है वह हमेशा संदेहास्पद होता है। आपने बहुत सारे मौकों पर देखा है कि कई राज्य के गवर्नर यह कह देते हैं कि यह इस राज्य की सरकार अब चलने लायक नहीं बची है, इस सरकार को भंग कर देनी चाहिए। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर उसका आदेश आता है। लेकिन उससे पहले गवर्नर के पास यह शक्ति होती है कि राज्यों के सरकार को भंग कर दिया जाए। तो गवर्नर का रोल जो होता है वह संदेहास्पद होता है। और आपको पता है कि गवर्नर
गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर के एक नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो कई बार कहा जाता है कि गवर्नर एक पपेट के रूप में काम करते हैं, कठपुतली के रूप में काम करते हैं केंद्र सरकार के, और जब केंद्र सरकार चाहती है कि किसी राज्य की सरकार को गिरा दिया जाए, किसी राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाए या किसी खास ऑर्डिनेंस को लाया जाए, ऑर्डिनेंस का पावर होता है गवर्नर के पास। ऑर्डिनेंस वह होता है कि जब सदन अपने कार्यवाही में नहीं होती है, जब सदन प्रोसेस में नहीं होती है, तो गवर्नर के पास आर्टिकल 213 के माध्यम से अनुच्छेद ऑर्डिनेंस लाने का जो है सो एक शक्ति होता है। कई मुद्दों पर बार बार ऑर्डिनेंस लाया जाता है, उससे जो है सो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्यूरोक्रेसी भी एक जो है सो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, कि आपको बताया था मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज जो होता है IAS IPS, इनके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कंट्रोल करने की प्रयास करती है। तो इन तमाम टूल्स को जब आप देखेंगे, हम विस्तार से कभी बात करेंगे इसके विषय में, तो इन तमाम टूल्स को जब आप देखेंगे तो इनके माध्यम से केंद्र सरकार कई बार राज्य सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, उनको एक दिशा में चलाने का प्रयास करती है। तो इससे हमें लगता है कि हमारा देश जो है सो वह ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है, इसमें यूनिटरी फीचर्स बहुत ज्यादा हावी है। फिर इसमें राज्यसभा का रोल भी होता है, हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर में कि राज्यसभा का क्या रोल होता है। राज्यसभा जैसा कि नाम से ही दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसे राज्य का सभा कहा जाता है। तो राज्यसभा का जो गठन किया गया था वह मूल इसी उद्देश्य के साथ किया गया था कि वह राज्यों के हितों के लिए सदन में आवाज उठाएगी, लेकिन राज्यसभा में जो लोग चुन के आते हैं वह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विचारधारा से ज्यादा प्रेरित होते हैं, वह अपने पॉलिटिकल पार्टीज के हितों के लिए ज्यादा काम करते हैं, बजाय इसके कि जिन राज्यों से उनको नॉमिनेट करके भेजा जाता है उन राज्यों के हितों के लिए बात करें। तो इसलिए ऐसे मुद्दे जो कि राज्यों के खिलाफ होते हैं, उन मुद्दों पर भी यदि कोई चर्चा होती है तो जो MPs होते हैं राज्यसभा के, वह अपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाती है, न कि उन मुद्दों के साथ जाती है। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो मतलब इन तमाम तरीकों से जो है सो कंट्रोल करने का प्रयास करती है, और इस वजह से हमें लगता है कि हमारा जो स्टेट है वह एक तरह से सेंट्रलाइजिंग फीचर हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा है, फेडरल फीचर कम है। अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल 257(1) का जिक्र आया है। आर्टिकल 257(1) में क्या लिखा गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है अनुच्छेद 257(1) में कि स्टेट कभी भी अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नहीं करेगी कि वह देश के एग्जीक्यूटिव पावर का वायलेशन करे। और इस तरह से देखा जाए तो देश का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वह राज्य के किसी भी राज्य के एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर एक तरह से कहा जाए यदि आम भाषा में तो सुपरसीड करेगा। तो इन तमाम फीचर्स को यदि हम देखें तो इससे पता चलता है कि भारत एक ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है, और जिसके वजह से क्या हुआ है, अब अफ्सपा जैसे कानून है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अब अफ्सपा जैसे कानून से क्या होता है कि ऐसे राज्यों में ऐसा एलिज किया जाता है, ऐसा जो है आरोप लगाया जाता है राज्यों के द्वारा कि ऐसे राज्यों में आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है जहां पर केंद्र सरकार सरकारों को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है सो कई बार इस तरह का आरोप लगाया गया। तो आर्म फोर्सेस पावर स्पेशल पावर एक्ट इस तरह से जो है सो सेंट्रलाइजिंग फीचर झलकता है। अब देखिए इंडिया के फेडरल फीचर में बहुत सारा कंफ्लिक्ट होता रहता है, जिसमें हम कुछ कंफ्लिक्ट की बात करेंगे और बहुत डीपली इसके बारे में बात करेंगे, और आपकी जिम्मेदारी में काम छोड़ता हूँ कि आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, और यदि आपको कोई परेशानी होती है तो फिर हम उसको अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है वह कंफ्लिक्ट क्या है, एक कंफ्लिक्ट है कि सेंटर तथा स्टेट के बीच का कंफ्लिक्ट, अब सेंटर तथा स्टेट के बीच का कंफ्लिक्ट क्यों होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि देश और राज्यों को आप एक पैमाने में देख सकते हैं। जैसे एक ऐसा घर मानिए जिसमें पति कमाने वाला हो और पैसा सारा उसके पास हो, लेकिन घर के व्यवस्था को चलाने का जो दायित्व है वह पत्नी को दे दिया गया हो, मतलब पैसा पति के पास, घर चलाने की जिम्मेदारी पत्नी के पास। देश भी हमारा उसी तरह से चलता है कि केंद्र के पास सारा पैसा, सारा रेवेन्यू का सोर्सेस, लेकिन चलाना है राज्य को, राज्य सरकारों के द्वारा देश को चलाना राज्य सरकारों के द्वारा है, लेकिन पैसा का सोर्स देश के मुखिया के पास यानी देश के पास है।
अब जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू सोर्सेस है वह केंद्र सरकार के द्वारा वसूली किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों को उसके बाद एक फाइनेंस कमीशन है हमारे देश में। आपको पता है कि हमारे देश में एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था, और यह फाइनेंस कमीशन समय समय पर बताता है कि किस तरह से राजस्व बंटवारा राज्य तथा देश के बीच में किया जा सके, राजस्व बंटवारा। और इससे पहले मैंने आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया कि प्लानिंग कमीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता था ग्रांट इन एड तथा ग्रांट को लेकर। तो कई बार सेंटर तथा स्टेट के बीच में जो कंफ्लिक्ट होता है वह रेवेन्यू के वजह से होता है, मतलब फाइनेंशियल सोर्सेस के वजह से होता है। बार बार राज्यों का आरोप होता है, जैसे आप अभी हाल के ही कोरोना संक्रमण के महामारी का दौर देखिए, इसमें बार बार क्या है कि झारखंड सरकार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा हमें शक्तियां नहीं दी जा रही हैं, हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं दिया जा रहा है। फिर आप अभी बंगाल की स्थिति देखिए, बंगाल और केंद्र के बीच में लगातार टसल चल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लेके हो, चाहे वह जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट NDMA एक्ट जो अभी लागू है उसके इम्प्लीमेंटेशन के को लेके देखिए। अभी हाल में आपको याद होगा कि बंगाल में कुछ दिन पहले पैरामिलिट्री ट्रूप्स अपने रूटीन एक्सरसाइज के लिए जब उतरे थे तो बंगाल की सरकार के द्वारा जो है सो यह आरोप लगाया गया था केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार जो है सो पैरामिलिट्री फोर्सेस को या आर्मी को राज्य में भेजकर जो है सो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह का जो है सो कई कन्फ्लिक्ट सेंटर तथा स्टेट के बीच में इन मुद्दों को फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर होता है। दूसरा कन्फ्लिक्ट सेंटर तथा स्टेट को ऑब्वियसली आपको पता है कि गवर्नर के रोल को लेकर होता है, गवर्नर के रोल को लेकर। मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नर कई बार केंद्र सरकार के पपेट के रूप में काम करते हैं, जो केंद्र सरकार से आदेश दिया जाता है कई बार जो है सो बहुत सारे बिल्स को रोक लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप गवर्नर के रोल को पढ़ेंगे तो गवर्नर के पास कुछ बिल्स को रिजर्व रखने की जो है सो शक्तियां होती हैं, बहुत सारे बिल्स को रिजर्व रख लिया जाता है। कई बार रिकमेंड कर दिया जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब इस राज्य के विधानसभा को भंग कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, तो गवर्नर का रोल हमेशा संदेहास्पद रहता है। फिर ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा सा हर्डल होता है सेंटर तथा स्टेट के बीच में, IAS IPS जो है सो केंद्र के इशारों पर चलते हैं, कई ऐसे राज्य जहां पे केंद्र में कोई और सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, जैसे अपने हाल के उदाहरण में देखा कि अभी मध्य प्रदेश में जब नई सरकार बनी तो कुछ IAS ऑफिसर्स को जो है सो तुरंत बदल दिया गया, क्योंकि पिछली सरकार में उन IAS ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगा था कि कुछ उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिसहैंडलिंग का केस था। और आपको पता है कि सेंटर तथा स्टेट में यदि सेम सरकार होती है तो सब कुछ अच्छे से चलता है, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स जो है सो टिल्ट होकर काम करते हैं, तो इससे जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक तरह का टसल चलता रहता है। तो एक फेडरल स्टेट में यह सब कुछ जो है सो कठिनाइयां होती हैं कि सेंटर तथा स्टेट के बीच में टसल चलता है। फिर टसल चलता है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, या सिर्फ सेंटर तथा स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं कि बेलगाम नाम का एक जगह है महाराष्ट्र तथा कर्नाटका के बॉर्डर पे, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर एक जगह है बेलगाम। अब महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच में हमेशा इस बेलगाम के एरिया के लिए हमेशा जो है सो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि बेलगाम किसका क्षेत्र है, महाराष्ट्र कहता है हमारा है, बेलगाम कर्नाटक कहता है हमारा है। फिर उसी तरह से जब हरियाणा से पंजाब को अलग किया गया तो उसमें चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बनाई गई, तो वहां पर एक कन्फ्लिक्ट हुआ कि चंडीगढ़ किसकी। बाद में राजीव गांधी के सरकार में यह तय हुआ था कि चंडीगढ़ को धीरे धीरे पंजाब को दे दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी भी पंजाब तथा हरियाणा के बीच में यह कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि चंडीगढ़ हमारा है तो चंडीगढ़ उसका। तो उसके बाद इस तरह का इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, और फिर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का एक जो मेजर कारण है वह है रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर। अब आपको पता है कि बहुत सारी नदियां जो है सो बहुत सारे राज्यों से होकर बहती हैं, और आज के दिन में चूंकि इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो पानी की डिमांड भी जो है सो राज्यों में बढ़ रही है। इसके वजह से राज्यों में नदी के जल को बंटवारा को लेकर बहुत सारा विवाद हो रहा है। कावेरी नदी विवाद आपने सुना होगा, आज तक नहीं सुलझ पाया है अंतिम रूप से, कावेरी नदी को लेकर, महादाई नदी को लेकर, उसी तरह से नर्मदा नदी को लेकर महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन तीनों राज्यों में जो है सो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है सो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन और इंटर स्टेट का रिलेशन कई बार डिस्प्यूट से चलता रहता है। अब इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म जो है सो किया गया है,
आइए थोड़ा सा देखते हैं, कुछ चीजें इस किताब में नहीं लिखी गई है लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं ताकि आप उसे और विस्तार से पढ़ सकें। यदि आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आप उसको और अच्छे से पढ़ सकेंगे। सरकार के द्वारा 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा एक सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था, सरकारिया कमीशन। अब इस सरकारिया कमीशन के गठन के बाद इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया। इंटरस्टेट काउंसिल का सबसे मुख्य काम था कि इंटरस्टेट काउंसिल सेंट्रल तथा स्टेट के बीच के रिलेशन को अच्छा करेगा। सरकारिया कमीशन ने एक बहुत ही अच्छी बात यह कही थी कि टू मच प्रेशर एट द सेंटर क्रिएट्स ब्लड प्रेशर। यदि सेंटर का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सेंटर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है और राज्यों में अनेमिया क्रिएट हो जाता है। सारा पावर सेंटर के पास तो प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर, राज्यों के पास बहुत कम पावर तो एनेमिया में क्या होता है, खून खत्म हो जाता है। तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि हम बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो केंद्र में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या प्रेशर बढ़ जाता है और राज्यों में एनेमिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सेंटर तथा राज्य के रिलेशन को एक बैलेंस करके एक नियंत्रित तरीके से संतुलित तरीके से चलाना बहुत ही आवश्यक है। सरकारिया कमीशन ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, 1983 में इस कमीशन का गठन किया गया था, 1988 ईस्वी में सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सौंपा। इस सरकारिया कमीशन में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी राज्य के गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वह इलेक्शन नहीं होता है, वह नॉमिनेशन होता है। तो उसने कहा था कि सरकारिया कमीशन ने कई बार यह बात होती कि गवर्नर के पोस्ट को भी खत्म कर देना चाहिए या राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था कि एक नॉन पार्टीशन लोगों को, एक नॉन पार्टीशन लोगों को जैसे गवर्नर बनाया जाए। नॉन पार्टीशन मतलब जिसका पॉलिटिकल कोई हिस्ट्री नहीं हो या निकट भविष्य में कोई पॉलिटिकल, आपने देखा होगा कि गवर्नर अक्सर किस तरह के लोग बनते हैं, जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, जो चुनाव नहीं जीत पाए, जिनको पार्टीज को लगता है कि नहीं इनको कुछ बनाना जरूरी है, कई बार जातीय समीकरण को देखा जाता है, तो ऐसे लोगों को राज्यों में गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता है। तो सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था कि नॉन पार्टीशन मतलब ऐसे लोग जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं हो, किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ झुकाव नहीं हो, इस तरह के लोगों को आप गवर्नर बनाइए। फिर बाद में पुच्ची कमीशन का जो है सो गठन किया गया। पुच्ची कमीशन ने भी इस तरह का कुछ रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने बताया ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होना चाहिए, इमरजेंसी कहां लगाना चाहिए। अब क्या होता है कि इमरजेंसी सब जगह लगा दिया जाता है। पुच्ची कमीशन ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है सो प्रभावित इलाका है, जहां पर दंगा हुआ, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ, सिर्फ उन्हीं इलाकों में आप इमरजेंसी लगाइए, पूरे राज्य में इमरजेंसी मत लगाइए। तो पुच्ची कमीशन का गठन हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हाल के दिनों में बहुत सारा टर्म इवॉल्व हुआ है, नीति आयोग का गठन किया गया, इंटरस्टेट काउंसिल फिर से रिवाइव किया गया है, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के रोल को बढ़ाया गया है, NDC डिफंक्ट हो गया था। इन तमाम चैनल्स, कैबिनेट सेक्रेटरी का काम होता है कि राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करे, इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग जो है सो कही गई है कि जो है सो एक नियमित अंतराल पे हो, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को जो है सो सुलझा लिया गया है। तो इन तमाम जो है सो इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं उससे सेंटर तथा स्टेट के बीच के रिलेशन को ठीक किया जाएगा। अभी आपने एक ही बहुत ही जो बेहतरीन एग्जांपल देखा वह था GST का इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जो केंद्र तथा राज्य के बीच में जो एक डिस्प्यूट का सबसे मुख्य कारण होता है, जो मुख्य विवाद होता है, वह होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस को किस तरह से साझा किया जाए, वह एक मुख्य कारण होता है विवाद का। अब GST के आने से क्या हुआ कि जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको खत्म कर दिया गया और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मुख्य रूप से वसूली जो है सो राज्य सरकारों के द्वारा की जाती थी। लेकिन वहां पर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक टर्म जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, इस टर्म को आप अच्छे से देखें और इसको जो है सो ध्यान में भी रखें। आजकल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट जो है सो काफी पॉपुलर हो रहा है, इसे आप अपने आंसर में भी शामिल करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत सारे लोगों को एक टेबल पर लाकर डिस्कशन कीजिए, बातें कीजिए और उसके बाद जो आउटकम होता है उस आउटकम पर काम कीजिए। तो इस तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको कहां पे देखने को मिला, या GST के इम्प्लीमेंटेशन पे देखने को मिला, जहां पे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हमारे बिहार के सुशील मोदी साहब उस समय लीड कर रहे थे, उन्होंने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग करके GST के तमाम तरह के जो अनसुलझे पहलू थे उसे सॉल्व किया और सारे राज्य कमोबेश उसमें धीरे धीरे एग्री किए कि हाँ GST जैसा कानून आना चाहिए। फिर अब हम किस दौर में बढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से अब हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कई बार इसे कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है।
इसका क्या मतलब है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का? मतलब कि देखिए हमें कॉपरेट तो करना है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, लेकिन उन दोनों राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होगी, कॉम्पिटिशन होगा। क्योंकि आज देखिए बार बार यह कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, झारखंड पिछड़ा राज्य है, तो अब इन दोनों राज्यों को, बिहार तथा झारखंड को, अपने मॉडल को पेश करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लाना है, ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार के हेल्प को अट्रैक्ट करना है, तो उसमें एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। तो कॉम्पिटिशन सिर्फ दो राज्यों के बीच में नहीं है, कॉम्पिटिशन केंद्र और राज्यों के बीच में भी है। तो सेंटर स्टेट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इंटर स्टेट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और इसमें एक अच्छे मॉडल के साथ हमें बढ़ना है ताकि दोनों ही राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो। तो इस तरह से हम फेडरलिज्म के चीजों को हम देखते हैं। अब देखिए फिर सेंटर और स्टेट के बीच में जो अगला पॉइंट है, पेज नंबर 164 पे देखेंगे, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। कई बार ऑटोनॉमी की जो है सो बात होती है, जिसके वजह से सेंटर तथा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है। जैसा आप देखिए कि दार्जिलिंग एक एरिया है, दार्जिलिंग एरिया वैसे तो पश्चिम बंगाल में आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के उस एरिया के लोग गोरखालैंड टेरिटरी नाम से एक अलग राज्य बनाने का डिमांड कर रहे हैं। तो गोरखालैंड में ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही है। फिर आप देखिए जैसे बिहार में ही जो है सो मिथिला का क्षेत्र है, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहां के लोग जो है सो कल्चरल आधार पे ऑटोनॉमी की मांग करते हैं, मिथिला डेवलपमेंट विकास बोर्ड की मांग करते हैं। तो इस तरह से बहुत राज्य राज्य के अंदर में ही रह के ऑटोनॉमी का डिमांड करते हैं। तो इसके वजह से भी कई बार सेंटर के और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट होता है। फिर कई बार जो है सो कन्फ्लिक्ट का कारण रोल ऑफ गवर्नेंस और प्रेसिडेंट रूल, मैंने आपको बता दिया। डिमांड फॉर न्यू स्टेट, अब नए नए राज्यों का, आपको मैंने बताया कि पहले सिर्फ असम जैसा राज्य हुआ करता था, फिर धीरे धीरे सात राज्य बन गए नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि आप यदि नॉर्थ ईस्ट के कल्चर्स को देखेंगे, तो लैंग्वेज को देखेंगे, तो हर एक राज्य का अलग अलग लैंग्वेज तथा कल्चर है। तो एक प्रोवर्ब है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, वन साइज डज नॉट या वन साइज फिट ऑल। यदि हम यूनिटरी फीचर की बात करें तो क्या होता है कि एक जूता आप ले आए और घर के जितने सदस्य हैं सारे लोग वही जूता पहनने लगे। अरे किसी का पैर छोटा हो सकता है, किसी का पैर बड़ा हो सकता है, तो एक ही जूता सबको नहीं आएगा। तो उसी तरह से यदि हम केंद्र स्तर पे हमने एक पॉलिसी बना दी, तो वह पॉलिसी हर एक राज्यों के लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकती। छोटे राज्य के लिए हमें अलग नीति बनानी होगी, छोटे बच्चों के लिए अलग जूता, बड़े लोगों के लिए अलग जूता। तो इसलिए हम जब फेडरलिज्म के मॉडल की बात करते हैं, तो इस तरह की नीति बनाने की बात करते हैं जिससे हर एक राज्यों के डिमांड्स को, हर एक राज्यों की जरूरतों को ठीक तरीके से देखा जाए, परखा जाए, और उस आधार पे उसको जो है सो मदद की जाए। तो इस क्षेत्र में आपने देखा कि पहले स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन हुआ, 1954 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। उससे पहले भी बहुत सारे कमीशन बने, जेबीपी नेहरू कमीशन बना, बहुत सारे कमीशन बने जिसने कहा कि लिंग्विस्टिक आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। लेकिन 1954 में जब स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया, तो उसने बोला, उससे पहले आपको पता है कि पोट्टी श्रीरामालु जो तमिलनाडु के एक व्यक्ति थे जो आंदोलनकारी थे, 54 दिनों के हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद काफी विवाद उत्पन्न हुआ और जिसके बाद जो है 1956 में आंध्र प्रदेश के राज्य का गठन किया गया। तो स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन ने जब कहा कि लिंग्विस्टिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, तो उसके बाद कई सारे राज्यों का गठन हुआ। आपने देखा कि पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल प्रदेश से पहले एक राज्य हिमाचल प्रदेश हुआ करता था, फिर राजधानी का विवाद हुआ, फिर बाद में आपने कालांतर में देखा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अभी सबसे रिसेंट में तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना का भी आंदोलन कहीं ना कहीं कल्चरल रिवॉल्यूशन था, वो भी अलग कल्चर होने की बात करते थे। तो ये डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट जो है, वह आजादी के समय से ही चलता आ रहा है, अभी भी डिमांड हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को चार भागों में बांट देना चाहिए। तो इस तरह से जो अलग अलग राज्यों की मांग होती है, इससे भी सेंटर स्टेट तथा दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होता है। और इंटरेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट, मैंने आपको बताया कि पानी से किस तरह से जो है विवाद उत्पन्न होता है। अब देखिए दोस्तों, इन राज्यों की जरूरतों को सुलझाने के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत विशेष प्रावधान किया गया था, तो जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी। उसी तरह से आर्टिकल 371 के तहत मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। वह मोस्टली मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। उसमें जो है सो उनको कुछ तरह की ऑटोनॉमी दी गई है ताकि वह राज्य को एग्जिस्ट करें, बहुत अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करें और किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो।
तो दोस्तों यही था कुछ फेडरलिज्म की बातें। तो फेडरलिज्म मुख्य रूप से क्या होता है, यदि हम एक समअप करने का प्रयास करें तो फेडरलिज्म मुख्य रूप से होता है कि आप केंद्र की सरकार के नीतियों के साथ चलते हुए, यदि राज्य की सरकारें अपनी नीतियों को खुद डिसाइड करती हैं, उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, तो वह एक ट्रू फेडरल स्टेट है। बार बार भारत के फेडरल या यूनिटरी होने की चर्चा होती है, तो भारत को सबसे बेस्ट समराइज किया जा सकता है कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट विथ ए यूनिटरी फीचर। तो यही था फेडरलिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट। अगले चैप्टर में हम किसी नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा और अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।